डीएम की बड़ी कार्यवाही, आजम खान सहित परिवार के 12 शासकों के लाइसेंस निरस्तीकरण का दिया नोटिस, 10 दिन बाद किए जाएंगे लाइसेंस निरस्त। यूपी के रामपुर में जिला अधिकारी एक के बाद एक आजम खान पर कार्यवाही कर उन्हें जवाब दे रहे हैं। पहले उर्दू गेट तोड़ा, बाद में जौहर यूनिवर्सिटी के पास की दीवार तोड़ी, फिर रामपुर पब्लिक स्कूल से कब्जा खाली कराया और अब आजम खान के परिवार के सभी शास्त्रों के लाइसेंस को निरस्तीकरण करने के लिए आजम खान को नोटिस भेजा गया, जिसमें 10 दिन का समय दिया गया है जवाब का। अगर आजम खान ने लाइसेंसी शास्त्रों का जवाब नहीं दिया तो सभी लाइसेंस को निरस्त कर दिया जाएगा। देखिए, इसमें 12 शास्त्र शामिल है। हम तो शास्त्र के हिसाब से, शास्त्रों का अगर दुरुपयोग होता है किसी मामले में तो उसमें शास्त्र का दुरुपयोग का मामला है चुनाव के दौरान, और उसमें चार्जशीट भी है, कोर्ट में मामला चल रहा है। इन सारे शास्त्रों की रिपोर्ट पुलिस से आई थी, उससे हमने उनको नोटिस निर्गत किया है। ये अभी कार्रवाई कोई नहीं हुई, अभी उनको नोटिस निर्गत किया गया है कि क्यों ना हम शास्त्र निरस्त कर रहे हैं, उसके बाद उनकी सुनवाई करने के पश्चात ही कोई निर्णय लिया जाएगा। तो इसको कार्रवाई के तरीके से नहीं, बल्कि कार्रवाई की प्रक्रिया के तौर पर कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन है, इस तरीके से इसको देखा जाना होगा। उसमें तीन लोगों के तीन तीन लाइसेंस है, आजम खान, यूसुफ अली और तनवीर अहमद, और बाकी तीन व्यक्ति हैं जिनकी एक एक लाइसेंस। नोटिस का जवाब 10 तारीख को नोटिस का जवाब मांगा गया, उसके बाद नोटिस का जवाब आने के बाद कार्रवाई। वही आजम खान को शास्त्रों को निरस्त करने की जानकारी मिली तो आजम खान रामपुर डीएम आंजनेय कुमार सिंह पर जमकर बरसे। हमारी सुरक्षा कितनी की जाती है आप जानते हैं, आज ही अभी किसी ने बताया नहीं कि कलेक्टर साहब ने हमारे सारे घर के लाइसेंस खारिज कर दिए, कोई बात नहीं, मेरे तो खान से कोई क्या दूसरी, मैं जमीन और आसमान की सबसे ऊंची हद पर था जब हेलीकॉप्टर के ऊपर का टुकड़ा टूट के निकल गया, टूटे हुए बस से मैं जिंदा जमीन तक वापस आ गया। मेरा ये ईमान है कि सिवाय अल्लाह के मुझे कोई नहीं मार सकता।